हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं फिर से फिल्म 2024 के लिए डेली क्यूज 22/2/2024। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वैश्विक दलहन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कितने कथन सही है ये बताना है। अगर इसका आयोजन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा किया गया तो ये गलत है। करैया ये क्या हुआ, नाफेड के द्वारा और जीपीसी के द्वारा, ठीक है। यह उद्योग का सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन है जो 50 से अधिक देशों के प्रमुख व्यक्तियों को एक साथ लाता है। दूसरा तो सही, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक दलहन सम्मेलन 2024 कर हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी नाफेड और ग्लोबल फल्स कॉन्फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक दलहन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कर इस सम्मेलन का आयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है जिसमें मुख्य रूप से दलहन उत्पादक संसाधक तथा व्यापारी भाग लेते हैं। इसका कथन पहला क्या है, सही नहीं है, मतलब ये सही है। कर वैश्विक दलहन सम्मेलन संबद्ध क्षेत्र का सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन है जिनमें से 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रोएशिया प्रशांत एसडीजी प्रगति रिपोर्ट विश्व बैंक के वार्षिक प्रमुख प्रकाशनों में से एक है। तो ध्यान देना है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, ठीक है। ये आर्थिक और सामाजिक प्रगति रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र का है, उसके द्वारा किया जाता है, इसीलिए पहला गलत है। करैया तो पहला जब गलत हुआ तो फिर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑप्शन डी होगा। फिर भी पढ़ लीजिए। इस क्षेत्र में एसडीजी प्रगति का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है जो एशिया प्रशांत हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग तथा उनके भागीदारों द्वारा संचालित कई अन्य गतिविधियों के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। एशिया प्रशांत सतत विकास लक्ष्य प्रगति रिपोर्ट। हाल ही में एशिया प्रशांत हेतु संयुक्त राष्ट्र और आर्थिक सामाजिक आयोग ने एशिया प्रशांत एसडीजी प्रगति रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की है। कर एशिया और प्रशांत एसडीजी प्रगति रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र ESCAP के वार्षिक प्रमुख प्रकाशनों में से एक है। कथन एक सही नहीं है, ठीक है। करैया क्षेत्र में एसडीजी प्रगति का संक्षिप्त विवरण समीक्षा प्रदान करती है जो ESCAP और उसके भागीदार द्वारा संचालित कई अन्य गतिविधियों के लिए आधार के रूप में कार्य करती है। कथन दूसरा सही है। करैया एसडीजी संकेतकों पर डेटा उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्राथमिकताओं विशेष रूप से सबसे कमजोर जनसंख्या समूह को रेखांकित करती है जो अधिक न्यायसंगत और समावेशी विकास रणनीतियों को आयाम देने में मदद कर सकती है। तब एक भी सही है, कथन ये गलत है, लेकिन दो सही है। करैया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करैया अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। तो पहला सही है, करैया 79वें यानी 79वें नहीं 89वें, तो ये गलत है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को दो अलग अलग निकायों में विभाजित कर दिया है, ठीक है। जिसका वर्णन किस में है, 238 में क्या है, अनुसूचित जाति, सॉरी ये नहीं, ये रहे तो जनजाति और सिर्फ 238 रहे तो अनुसूचित जाति। तो इसमें पहला सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स करा NCSC एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना अनुसूचित जातियों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान करने तथा उनके सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने के साथ उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से की गई है। कथन पहला क्या है, सही है। करा 89वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, क्या हम बता दिए थे 238 ना, सॉरी 338 है ना, चलिए होता है। कर है अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया, साथ ही SC तथा ST के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 से दो अलग अलग आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जो
थे अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC और अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, अतः कथन दूसरा सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद कहाँ गया, 89वां यहाँ। करें, भारत समय पूर्व बी औद्योगिकरण का सामना कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला कथन सही है, लेकिन क्यों? करें, भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र में समय से पहले बदलाव का सामना कर सकती है, जिससे विनिर्माण विकास में बाधा आ सकती है। तो ऊपर का ये डिस्क्रिप्शन कर बता दिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये व्याख्या कर रहा है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करें, महामारी के बाद तेजी से सुधार होने के बावजूद भारत समय पूर्व भी औद्योगिकरण का सामना कर रहा है, जिससे असमानता बढ़ गई है, क्योंकि तेजी से विकास का लाभ एक छोटे से अल्पसंख्यक वर्ग को मिलता है, जिससे मौजूदा असमानताएं बढ़ जाती है। कथन पहला सही है। कर, भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र में समय से पहले बदलाव का सामना कर सकती है, जिससे विनिर्माण विकास में बाधा आ सकती है, इसलिए कथन दूसरा सही है। तब विकल्प ए सही है, क्योंकि कथन एक और दोनों सही है, तथा कथन दो जो है कथन एक की सही स्पष्टीकरण कर पा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। करैया वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु के बरगूर पहाड़ी में स्थित है। कौन? थनाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में। करैया क्षेत्र नीलगिरी हाथी रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है। करैया बेगई नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, तो यहाँ पे नदी कुछ और है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। यह है पलार नदी। करे, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु के ईरोड जिले की बरगूर पहाड़ी में 81,114.80 हेक्टेयर में विस्तृत है। अतः कथन एक सही है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के जंक्शन पर स्थित यह अभयारण्य समृद्ध जैव विविधता रखता है। करैया क्षेत्र नीलगिरी हाथी रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। करा, जहाँ हाथियों तथा तो भारतीय गौर के अधिक आबादी ही रहती है। तो कथन दो सही। करैया पलार नदी के लिए जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, नहीं कि बेगई। ठीक है, जो कृषि गतिविधियों जल उपलब्ध कराते हुए कावेरी नदी में गिरती है। अतः कथन तीन सही नहीं। इस प्रकार से हमने आज 5 क्वेश्चन। We'll be right back.